वेलकम टू आवर चैनल स्लेडू। और आप जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल ने सेशन स्टार्ट किए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और ये सेशन सभी सब्जेक्ट के लिए है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या बायो हो। तो जिन स्टूडेंट्स के सेशन मिस हो गए हैं पहले के, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको उस चैनल के सारे हर सब्जेक्ट के सेशंस आपको मिल जाएंगे, राइट। तो अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो का ये फोर्थ सेशन है आज का, बाकी के 3 सेशंस आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा और उसको आप अटेंड कर सकते हैं। सो आज जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम बायो का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करें हमारे आज के टॉपिक को इस सेशन में, ठीक है। सो द टॉपिक इज रेस्पिरेशन, राइट। नाउ रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन लेना, CO2 देना, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको ब्रीदिंग कहते हैं, राइट। ब्रीदिंग में आप क्या करते हो? ब्रीदिंग में आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हो, राइट। तो जब आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हो तो उसमें ऑक्सीजन को आप लेते हो और CO2 को आप एक्सहेल करते हो, ठीक है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और CO2 हम एक्सहेल करते हैं, तो ये होता है आपका ब्रीदिंग। पर लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? अब रेस्पायर करना, रेस्पिरेशन करने को तो हम अभी तक यही पढ़ते हुए आ रहे थे कि इनहेल एक्सहेल ऐसे करना। बेटा जो रेस्पिरेशन है, या मैं ब्रीदिंग से करती हूँ, जो ब्रीदिंग है वो आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का। ये आपका फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो अगर हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस इन विच लिविंग बींग्स, अच्छा नॉन लिविंग बींग्स रेस्पायर करते हैं, नहीं करते ना, मालूम है ना, क्लियर हो ना इस चीज पे तो कि नॉन लिविंग बींग्स रेस्पायर नहीं करते हैं। सो द प्रोसेस इन विच लिविंग बींग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन और टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट। एक और डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ रेस्पिरेशन की। Respiration means it is a process in which breakdown of organic molecule occurs to obtain energy. आप बोलोगे कि मैम ने इतनी सारी डेफिनेशंस हमें बता दी, तो करेक्ट कौन सी है? करेक्ट भाई तीनों की तीनों है, और तीनों का मतलब भी एक ही है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो लिविंग बींग है वो आपके फूड को यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए। दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि वो ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का आपके फूड का टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पे भी हमने फूड को यूटिलाइज किया एनर्जी लेने के लिए। यहाँ पे आपका फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट, उसको हमने यूटिलाइज किया एनर्जी लेने के लिए।
और थर्ड डेफिनेशन में क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनका ब्रेक डाउन होता है टू ऑब्टेन एनर्जी। अब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया, मुझे तो लगा था कि अब तक तो एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि मैम सोचो क्या हो सकता है वो क्वेश्चन। अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ, वो क्वेश्चन हो सकता है, सेकेंड सेशन में हमने न्यूट्रिशन की बात की थी ना। न्यूट्रिशन में क्या है, ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी टू गेट एनर्जी, यही पढ़ा था ना, और इसमें ही हमने डाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था, राइट? तो डाइजेशन में भी तो यही होता है, किसी के दिमाग में आया, किसी ने सोचा कि डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, राइट? अब तो मैम ने कंफ्यूज कर दिया, अब रेस्पिरेशन भी ब्रेक डाउन है और डाइजेशन भी ब्रेक डाउन है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, तो मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस आपका ये हुआ, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड का मतलब है कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपलर फॉर्म। हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और सिंपलर फॉर्म में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, सिंपलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट इसीलिए किया था ताकि वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके, राइट? अब ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ब्लड में जब एब्जॉर्ब होगा तभी तो वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रैवल कर सकता है ना, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ब्लड कैरी करके कैसे लेके जाएगा अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस सिंपलर फूड को, करेक्ट? तो ये था हमारा डाइजेशन। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें, थोड़ा सा स्पेस ले लें, तो ये था हमारा डाइजेशन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट हमारा जो ब्लड है वो आपके फूड को एब्जॉर्ब कर ले और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर दे, राइट? जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो आपका सिंपलर फॉर्म है ना, सिंपलर फॉर्म फर्दर ब्रेक डाउन होती है, क्या होता है, सिंपलर फॉर्म फर्दर ब्रेक डाउन होती है, जिसका पर्पस क्या है, टू ऑब्टेन एनर्जी। तो अभी डिफरेंस क्लियर हुआ कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन में क्या डिफरेंस है, डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है फूड का सिंपलर फॉर्म में सो दैट ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्लियर? रेस्पिरेशन में फर्दर उस सिंपलर फॉर्म का ब्रेक डाउन होता है टू ऑब्टेन एनर्जी। तो अब डेफिनेशन क्लियर है, तीनों की तीनों डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन थी हमारी तीनों, फर्स्ट डेफिनेशन द प्रोसेस इन विच लिविंग बींग्स यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी, ठीक है, लिविंग बींग अपने फूड को यूटिलाइज करता है टू गेट एनर्जी। सेकेंड हमारी डेफिनेशन थी, इट इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस और इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, किस फॉर्म में था, पहले स्टार्च की फॉर्म में था, फिर वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिली, हमने एनर्जी को प्रोड्यूस किया। थर्ड डेफिनेशन है आपकी, इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकर टू ऑब्टेन एनर्जी। अभी आई होप ये तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी और रेस्पिरेशन और डाइजेशन में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, राइट? चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन की बात, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इससे लिख लेते हैं
types of respiration, right? दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन मींस हेयर इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपका जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, राइट? वेयर एज जब हम एनएरोबिक की बात करते हैं, तो हेयर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किसमें होता है? ये तो आपको पता ही होगा, आप तो सबको मालूम समझ में आ गया होगा। और ये तो हम बहुत, आई थिंक हमने फर्स्ट में भी एक पढ़ा हुआ है डिफरेंस क्या है। ये जो मेजर डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, यही डिफरेंस हम फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, सब में हमने पढ़ा है कि एरोबिक और एनएरोबिक में क्या डिफरेंस होता है। तो एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो ये क्लियर है आपका O2, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ जो हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, उसका एक्चुअली में जो फर्स्ट स्टेप है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का, राइट? तो जब हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, सो ग्लाइकोलाइसिस मींस, क्या मतलब होता है ग्लाइकोलाइसिस का? पहला स्टेप जो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का, वो है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? नाउ इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है दैट इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पर होता है आपका? साइटोप्लाज्म। और ग्लाइकोलाइसिस है क्या? ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस one molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid, जिसको हम pyruvate भी बोलते हैं, with four molecules of ATP. अब बताती हूँ मैं आपको, पहले हम इस point को लिख लेते हैं। So during glycolysis, one molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid, जिसको आप pyruvate भी बोल सकते हैं और pyruvic acid भी, VIC, vic acid, with four molecules of ATP. ATP की full form क्या है पता है? नहीं पता? कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है ना? ATP की full form है, मैं बता देती हूँ आपको, adenosine ट्राइफॉस्फेट। तीन फॉस्फेट ग्रुप इसमें आपके होते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। एडेनोसाइन क्या करता है? इट स्टोर्स एंड रिलीज एनर्जी, इट स्टोर्स एंड रिलीज एनर्जी फॉर मैनी सेल्युलर प्रोसेस, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी को स्टोर भी करता है और आपकी एनर्जी को रिलीज भी करता है। हम जनरली कभी कभी क्या होता है कि एटीपी के प्लेस पे, मतलब एनर्जी के प्लेस पे हम एटीपी को यूज़ कर लेते हैं कि ये हमारी एनर्जी ही होती है एक तरीके की, ठीक है? तो इट स्टोर एंड रिलीज एनर्जी फॉर मैनी सेलुलर प्रोसेस एंड इट इज़ फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? एटीपी क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड में, उसके साथ हमारे फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इस पूरे प्रोसेस को हम समझ लेते हैं, रेस्पिरेशन को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, और अगर कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है, मतलब वो एब्सेंट भी नहीं है, वो पूरी तरीके से प्रेजेंट भी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं जहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, उस केस में आपका क्या प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे, ये हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या क्या डिफरेंट वेज हैं आपके मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करने के, ब्रेक डाउन करने के। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको समझना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम पेन को चेंज कर लेते हैं, येलो लेते हैं। हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। अब जब ये ब्रेक डाउन हुआ, और कहाँ ब्रेक डाउन होता है आपका, ये ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में, बताया था ना ऊपर एक पॉइंट, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ और क्या बना आपका, पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड जिसे हम पाइरूवेट भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट बेटा, आपको समझ में आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, साथ में एनर्जी भी जनरेट होती है। क्लियर? तो ये आ गया आपका पाइरूविक एसिड। अब फर्दर इसके हम स्टेप्स देखते हैं। तो पहला स्टेप देखते हैं हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये कहाँ होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम पहले केसेस देख लेते हैं तीनों, उसके बाद हम इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका, इसको हम तीन डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं, पहला आपका हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आपकी ऑक्सीजन एब्सेंस है, और ये कहाँ होता है, ये होता है आपके यीस्ट में। ठीक है, और तीसरा केस है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, और ये आपका है इन मसल सेल्स, राइट? तो ये तीनों आपके पास केस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो पहला जब हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर प्लस एनर्जी, और एनर्जी हम यहाँ पे एटीपी भी लिख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपने लिख दिया CO2 प्लस H2O प्लस ATP, करेक्ट है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड आपका केस है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें आपको मिलते हैं बाय प्रोडक्ट्स इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। क्लियर? थर्ड केस है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, तो यहां पे आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये आपके तीनों केसेस हैं जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीन केसेस, पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसके प्रोडक्ट्स हमें CO2, वाटर एंड एनर्जी। दूसरा केस हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे यीस्ट में होता है, उसके प्रोडक्ट्स हैं इथेनॉल, CO2, एनर्जी। तीसरा केस है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि मसल सेल्स में होता है, और उसके प्रोडक्ट्स हैं आपके पास लैक्टिक एसिड एंड
एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला जो चार्ट है इसको आप डबल स्टॉक मार्क कर लो, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कि आपको ये पूरा चार्ट वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और आपको लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधा ये चार्ट बना दो, आपका हाफ मार्क्स भी डिटेक्ट नहीं करेगा एग्जामिनर। क्लियर? तो ये आपको याद होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पाइरूविक एसिड में, और उसके तीनों केसेस, और उसके बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिले। क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन की बात बोली ना, तो क्वेश्चन में आपको दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके इंटेक्स बुक में ही, इंटेक्स क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सेज व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपका जो आएगा वो एग्जैक्टली ये चार्ट बनेगा। ये चार्ट आपको बनाना है, और ये जनरली 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो 3 मार्क्स का मतलब है एक नंबर जो आपको मिलेगा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आपने सिर्फ ये लिखा, ये दोनों नहीं लिखे, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आपने ये दोनों लिखे और ये नहीं लिखा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने तीनों लिखे इसी पूरे के साथ तो आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मतलब अगर आपने कोई भी 2 लिखे तब भी आपका 1 मार्क डिटेक्ट होगा ही होगा। तो डिफरेंट वेज जो आपको बताने हैं वो यही बताने हैं कि ये तीनों आपको वेज उसमें एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन नहीं, आप सिर्फ ये चार्ट बना दो, सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास हो गया कि हमें वो पूरा का पूरा चार्ट इस क्वेश्चन में डालना, करेक्ट। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आपके चैप्टर के एंड एक्सरसाइज में दिया हुआ है, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, विच सेज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पर एक डिफरेंस यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, आपको और डिफरेंस भी पता होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं ये आपको लिखवा देती हूँ। पहला हम डिफरेंस जब बात करते हैं तो हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, पेज को, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट, हमने ये सेपरेट कर लिया। अब हम इसमें लिखेंगे पॉइंट वाइज, याद है ना, लास्ट टू लास्ट आई थिंक हमने डिस्कस किया है कि हमें डिफरेंसेस कैसे देने हैं, है ना। तो पहला पॉइंट तो आप वही देंगे, इट इज, इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हेयर इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दूसरा जो डिफरेंस है वो है आपका, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, और इट अकर्स इन साइटोप्लास्ट, अकर्स इन साइटोप्लास्ट, क्लियर है। थर्ड जो आपका डिफरेंस है वो है यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट्स जो आपको इस केस में मिलते हैं एरोबिक के केस में, वो आपके होते हैं CO2 एंड वाटर, और एन एरोबिक के केस में आपके एन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आपके एन प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 एंड इथेनॉल, प्लांट के केस में मिलते हैं, और लैक्टिक एसिड आपको मसल सेल्स के केस में मिलता है, मसल सेल्स इन एनिमल्स, है ना। हमने 2 केस पढ़े हैं ना, एक तो हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का पढ़ा है, उसमें आपके CO2 वाटर है, एंड दूसरा हमने 2 केसेस जो है वो दोनों आपके एनएरोबिक में आएंगे, जिसमें
पहला है आपका जो यीस्ट में हमने पढ़ा है उसमें CO2 और इथेनॉल मिलता है, और दूसरा हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो है उसमें हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, एनर्जी तो हमें दोनों तीनों केसेस में मिलते हैं, तो वो तो हमारा डिफरेंस हुआ नहीं ना, वो तो हमारा एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। इस केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज्ड होती है, वेयर एज इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, अच्छा मैं बता देती हूँ आपको, मोर एनर्जी के केस में इसमें अबाउट 38 ATP होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यहाँ पे आपके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। क्लियर, तो ये आपका डिफरेंस है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी इसमें एक और क्वेश्चन है, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आपके कुछ बैक्टीरिया हो गए, सम बैक्टीरिया इज देयर, फंगी है आपकी, ये सारे आपके ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके एन एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के एग्जांपल। क्लियर, तो ये है आपका रेस्पिरेशन। इस सेशन में हम यही रखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और याद है ना मैंने आपको बताया था क्विज के बारे में, तो ये तो पता है आपको कि चैप्टर के एंड में क्विज होने वाली है, बट कैसे होगी, कैसे आपको करना है, वो मैं आपको जब सेशन का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगी। सब कुछ अभी बता दूंगी तो फिर लास्ट में कैसे, आपको भी तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना कि क्विज कैसे होगी, क्या पैटर्न होगा, कैसे मैम हमें देने वाली है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। और अभी भी बोल रही हूँ, कोई भी सेशन अगर आपका इससे पहले मिस हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सेशन हुए हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी और वहाँ पे मैं देखूँगी कि किस किस स्टूडेंट ने कितना सेशन को अटेंड किया है, कौन कौन से किया है। और क्विज में भी वो नाम मुझे चाहिए ही चाहिए जो बच्चा सारे सेशन को अटेंड कर रहा है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट बॉक्स में, कोई भी डाउट है आपका वो दीजिए, हम आपका उसको आंसर करेंगे और उस आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ये सेशन ख़त्म होता है, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।